हम इस समय है महिंद्रा न्यू थार में, टॉप मॉडल है ये, डीजल वेरिएंट। इस समय मैंने व्हीकल इंफॉर्मेशन में हूँ मैं, शायद अभी जाके देख लेता हूँ। मैं एडवेंचर एडवेंचर वाले ऑप्शन में हूँ, ऑफ रोड पे है, तो यहाँ पे भी स्क्रीन पे शो करेगा। यहाँ पे दो लीवर दिए हुए हैं, एक नॉर्मल गियर है, 6 मैनुअल स्पीड गियर बॉक्स है, और एक 2 हाई 4 हाई एंड 4 लो एंड न्यूट्रल। तो इसमें गाड़ी जैसा आप देख सकते हैं 2 हाई में है, ये डेली यूज़ के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए। और फिर 4H में यानी 4 हाई में जाने के लिए हमें इसे पीछे हल्का सा करना होगा, तो यहाँ पे भी आप शो करेगा, देख सकते हैं 4H इसमें, यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देगा 4H, यहाँ पे भी शो कर देगा। फिर इसको न्यूट्रल में जाने के लिए हल्का सा प्रेस करेंगे, यहाँ लिखा है प्रेस में, प्रेस करके पीछे करेंगे न्यूट्रल में हो जाएगा। 4H यहाँ से हट गया, न्यूट्रल का आ गया सिंबल, यहाँ से भी 4H का हट गया न्यूट्रल का। तो फिर इसको 4 हाई में जाने के लिए आप इसे पीछे कर देंगे 4 लो पे, सॉरी। तो ये 4L है, ये भी 4L का सिंबल है, लेकिन यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसा 4 लो का यहाँ पे आ गया सिंबल। इसमें आपको बहुत सा टॉर्क मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती है। लो स्पीड पे जब ज़्यादा टॉर्क चाहिए, जैसे हम गाड़ी टो करते हैं, तो उसमें यह हेल्पफुल होता है। फिर इसको वापस जाने के लिए हम कुछ सेकंड रुक के जाएंगे न्यूट्रल में, तो ये 4L का हट जाएगा सिंबल, यहाँ से भी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो गया है। फिर से एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जब आप गाड़ी अगर स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं स्टार्ट हो गई, तो अब ये जब ये न्यूट्रल में है, उसमें मैं कोई भी गियर लगा लूँ, कोई भी, और जैसा आप देख सकते हैं, तो क्लच छोड़ दूँगा, एस्केलेटर भी लूँगा, तो भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे फर्स्ट हो चाहे कोई सा भी गियर हो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और फिर दोबारा से इसे ऊपर जाने के लिए प्रेस करके 4H में चले जाएंगे, 4 हाई हो जाएगा। यहाँ पे 4H शो कर दिया, ये भी ऑन हुई है दोबारा, इसीलिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। और नॉर्मल के लिए आप इसको 2 हाई पे कर देंगे, ठीक है। ये जनरल मोड डेली यूज़ के लिए।